सम्मानित करें दे करके, और साथ में सुमित्रा हुड्डा पेडनेकर मैम आप प्लीज मंच पर आए। सुमित्रा हुड्डा पेडनेकर मैम, प्रतिभा मैम प्लीज आप आए। नहीं नहीं मैम आइए 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 ना, पर्दे के पीछे रहकर मैम काम करने में यकीन कर रही है लगातार। So, Sumitra, ma'am, please, Anna, would you like to say something on this moment? Anna, would you like to say something? So happy to and honored to be able to be here. So I want to thank the organizer. It's a lovely experience for me. And I must tell you that I never had so much like love and appreciation from all the people that came here. People in the film industry really feel that much for my film, and it really touched your heart. So I'm so happy about that. It really is a big thing for me. And I wish that the film can be seen by millions of Indian people because of the message in the film. Thank you so much, Anna, and congratulations. So please. बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। आगे की ओर बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट अवार्ड है उत्तम सिंह सर प्लीज, आप लोगों का आशीर्वाद बेश कीमती उपहार है। अब आपने बोले बुढ़ा नहीं हुआ हूँ तब देखो। मेरे यार की शादी कमाल की वेब सीरीज है और हरियाणवी वेब सीरीज है, बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट लेकर के, बहुत ही मनोरंजक, और पूरी टीम स्टेज ऐप की पेशकश है। ये स्टेज ऐप बहुत अच्छा काम कर रहा है हरियाणा में, बहुत ही खूबसूरत। कुणाल जी हैं, प्रवेश राजपूत जी हैं, मनीष जोशी जी हैं, ये सब लोग जो हैं सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। आशीष नेहरा जी हैं, बहुत मुबारक जी। प्रवेश जी ने लिखी है इसकी कहानी, आशीष नेहरा जी ने लिखी है। कांग्रेचुलेशंस जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? थैंक यू सो मच। और मेरे यार की शादी पे मैं एज एन राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, डायलॉग्स एंड जो किया द स्टोरी, तो आई एम वेरी हैप्पी। मेरा फिल्म भी आया, मेरा वेब सीरीज भी आया हुआ है, मैं किसी तरीके से टीम से जुड़ा हूँ। प्रवेश इज अ कंटेंट हेड फ्रॉम स्टेज ऐप जो अभी आपके बीच में, मनीष जी तो दे आर द मेन जिन्होंने इस चीज़ को आगे लेकर आया आप ऑडियंस के बीच में। ओवर टू यू सर। मैं तो सिर्फ इस अवार्ड को लेने आया हूँ और ये सम्मान क्रिएटर्स का ही है, ग्रुप का, हमारी जो मेरी यार की शादी की टीम है, विश्वास चौहान का और अपना आशीष भाई और पूरी टीम जिन्होंने काम किया। हमारा पहला प्रोजेक्ट था एज ए वेब सीरीज के तौर पे ये, और अभी मैं इस मतलब स्टेज पे हूँ, वैसे तो मैं स्टेज ही हूँ। तो हमारी एक लाइन है कि कंपनी नहीं हम क्रांति हैं, क्योंकि हम रीजनल सिनेमा में काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे नो टैलेंट को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, ये बिल्कुल हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे लगभग पूरा हरियाणा जो बॉम्बे में काम करता है वो बैठा हुआ है। तो ये जो कंपनी नहीं क्रांति है, मैं इस क्रांति में यू नो आपको शामिल करना चाहता हूँ। आप भी हमारे लिए क्रिएट कीजिए, हमारे लिए लिखिए कोई भी कहानी और इस क्रांति का हिस्सा बनिए, क्रांति भी बनिए। क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस प्रवेश, आशीष भाई कांग्रेचुलेशंस, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और अभी ले जाते हैं अगले।
बहुत ही रिश्तों की सूक्ष्म गहराइयों को उकेरती हुई फिल्म थी, बहुत ही लाजवाब। बहुत बहुत मुबारक अक्षय जी। अक्षय जी जो है वो सत्यजीत रे इंस्टीट्यूट से हैं और बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अक्षय भाई? Once again, I would begin with thanking Yashpal sir and Pratibha ma'am and the entire organizing team. और मैं बहुत खुश भी हूँ और बहुत खुशकिस्मत भी हूँ कि ये अवार्ड मुझे मिल रहा है और इससे काफ़ी हौसला अफजाई होगी और आगे बहुत काम करने की इच्छा भी है और काम करते रहेंगे और आपके साथ भी काम करेंगे। अभी प्रवेश भाई भी बोल के गए हैं, अब हरियाणा में क्रांति दादा लक्ष्मी फिल्म से भी और स्टेज ऐप से भी ये आ रही है और हम इस क्रांति का हिस्सा जरूर बनेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारकबाद। कमाल की फिल्म बनी है, मतलब आप शब्द रह जाते हैं देखते हुए। बहुत ही छोटे में बड़ी बात कह देना अक्सर कठिन होता है, शॉर्ट फिल्मों में एक चुनौती होता है बहुत बड़े कंसेप्ट को समेट पाना, लेकिन ये बखूबी निभाया गया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। एंड नेक्स्ट जी, शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ही नेक्स्ट साल की फिल्म कमाल की फिल्म थी, लाजवाब फिल्म थी कि मैं कौन हूँ, खुद की तलाश। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। फीचर फिल्म कैटेगरी में ही बेस्ट सिनेमेटोग्राफी बनी के लिए किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज बेस्ट एडिटर अवार्ड goes to Yogesh Bhatt for Bunny. Yeah. Once again. जहाँ संगीत हो ना हो देश कलेश उड़े भाईचारा हो चारों जहाँ संगीत हो। यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई और बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म तक पहुंच गई। अब सारी जो श्रेय है इस फिल्म की वो ही पूरा लास्ट का नॉर्मली क्या होता है वर्ल्ड वाइड में बता रहा हूँ आपको कि लास्ट जो सब टाइटल्स होते हैं वो टाइटल में यहाँ से उठा दो म्यूजिक, यहाँ से उठा दो म्यूजिक, वहाँ से उठा दो म्यूजिक और फिनिश करो, जो थीम बने होते हैं उसी को कट पीस कर पीस करके कर देते हैं। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की, मेरा बहुत अच्छी फिल्म है क्यों ना हम लास्ट का म्यूजिक रिकॉर्ड करें, उसमें खर्चा क्या आएगा। जो नेचुरली हर प्रोड्यूसर यही पूछता है, मैंने कहा मुझे नहीं पता लेकिन करते हैं, बोला ठीक है करते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, मैंने कहा करते हैं कि वो करते हैं। तो लास्ट का जो 7 मिनट का म्यूजिक है वो पूरा सिर्फ चालू देश में थीम है, बाकी इस जो मैंने अभी गाया उसके बहुत से वर्जन हैं हमारी फिल्म के अंदर, स्पेशली लास्ट में उसके सुर चेंज होते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। तो श्रेय जो है वो यश थैंक यू, लेकिन आप देखिए सिर्फ वो सब जो लास्ट के टाइटल्स हैं वो म्यूजिक करने में उन्होंने 9 दिन लगाए थे और हर बांसुरी वाले को बुलाया, सारंगी वाले को बुलाया, ढोलक वाले को बुलाया, यहां बुलाया सबको स्टूडियो में। और आपको एक बात बताओ, इस फिल्म के जितने भी गाने हैं सारे इंस्ट्रूमेंट ओरिजिनल हैं, कोई भी डिजिटल नहीं है, पूरे बुलाए गए हैं। थैंक यू।
क्या बात है, क्या बात है, एक साथ दो दो अवार्ड। लोग कहते हैं कि दो दो हाथों में लड्डू होते हैं, आपके दो दो अवार्ड है दोनों हाथों में। कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत मतलब पैशनेट है फिल्म के बारे में, उन लोगों के लिए कोई जगह हो इसलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। आप तो फिजिकल, हाँ कोविड में हमने जब हमने स्टार्ट किया था और तुरंत ही लोग कोविड हो गया था और उसके बाद लॉकडाउन अनाउंस हो गया था, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता था। फिर हमने मतलब उसको ऑनलाइन किया, बट आई एम टेलिंग यू ऑनलाइन में हमें जिस तरह के रिजल्ट्स और जिस तरह का रिस्पांस मिला है वो अमेजिंग था, अमेजिंग। हमने मतलब ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना ह्यूज रिस्पांस हमें मिलेगा। मतलब हमारे जो टॉक शो भी होते थे उसके लिए भी हज़ार हज़ार, दो दो हज़ार, तीन तीन हज़ार ऑडियंस होती थी। इवन जब हमारा जब फाइनल फिनाले हुआ तो मेरे ख्याल से उसके लिए लाख लाख, डेढ़ डेढ़ लाख ऑडियंस होती थी। दैट वॉज मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस ऑनलाइन। और उसके बाद अगर हम कहें तो दो साल हमें चलाना पड़ा क्योंकि ऑनलाइन ही करना पड़ा बिकॉज ऑफ कोविड। तो हमने अब ये थर्ड जो एडिशन है वो हमने फिजिकल किया है। नहीं एक्चुअली सच कहे तो मैंने हमने बहुत कम मूवीज़ दिखाई बिकॉज टाइम कम है और बहुत सारी मूवीज़ हम दिखाना चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं, लेकिन दो ही दिन का फेस्टिवल वी कुड अरेंज। आप तो जानते हो मुंबई में सारी चीज़ें महंगी है ना। तो हमने सोचा कि चलो एटलीस्ट दो दिन शुरुआत तो करते हैं ना, दो दिन की शुरुआत तो करते हैं। तो हमने दो दिन में जितनी फिल्में हो सकती है मैक्सिमम मेरे ख्याल से 25 फिल्म अभी भी हम दिखा रहे हैं। नहीं एक्चुअली क्या होता है, हमारे दो ज्यूरीज है, एक इंटरनल ज्यूरीज है और मतलब कुछ बाहर के ज्यूरीज है, कुछ बाहर के कंट्रीज के भी ज्यूरीज है। तो इस वजह से इंटरनल ज्यूरीज पहले सिलेक्ट करती है फिल्में, वो बाहर के ज्यूरीज को देती है, फिर वो जो फाइनल रिजल्ट होता है वो उनका होता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है ना, वेरी मच थैंकफुल टू बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो उन्होंने हमें मंच दिया है और हमें क्या बहुत सारी नई नई फिल्मों को या नए नए फिल्म मेकर्स को उन्होंने मंच दिया है। बहुत ज़रूरी है मतलब ताकि नए फिल्म मेकर्स आए, नई कहानियाँ आए, नए कलाकार आए, और आज के समय में ये सब करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो वो ये अपने बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू मैम कि आप लोग हमें अच्छा उधर भी बात करना है। सो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप हमें ये स्पेस दिया मैम। सो दिस इज़ समथिंग स्पेशल टू अस कि हम लोग अभी बॉम्बे में आए हैं और हमारा फिल्म को इतना ह्यूज रिस्पांस मिला। थैंक यू सो मच एंड आप भी दिया जाए उसको भी हमें कवर किया। दो तीन बातें बात कर रहे हैं आप ना। एक्चुअली सी मैं जो बात कर रहा था कोई और फिल्म के बारे में बात कर रहा था कि कैसे मैं पहली मर्तबा बम्बई में आया और अपनी कहानी किसी को पिच किया तो उन्होंने मुझे फिर ये कहा कि ये बदल दीजिए वो बदल दीजिए। फिर मैंने कहा कि ऐसे तो नहीं होगा, तो फिर उन्होंने कहा कि आप अपना फिल्म को भी बनाएंगे तो पता चलेगा। तो हमने अपना पहला फिल्म बना लिया है जो अभी आपने देखा है वो पिंजरे की दृष्टि। तो उस फिल्म को समझा और अपनाया है उन्होंने ये मंच प्रदान दिया तो वो मैम है, तो उन्होंने जैसा उनका नाम है ऐसे ही उन्होंने हमारे फिल्म को सपोर्ट भी किया है। तो विच इज़ अ वेरी थैंकफुल टू यू अगेन मैम। तो ऐसा ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई और फिल्म था या कोई और फिल्म है, ये इसी फिल्म की बात कर रहा था मुझे पिंजरे की दृष्टि, वो कोई और फिल्म था जिसका सिर्फ स्क्रिप्ट था। सॉरी डिफिकल्ट रहा न्यू कमर्स के साथ काम करना, न्यू कमर्स के साथ कोई डिफिकल्ट नहीं होता, आई थिंक मुझे लगता है स्टार्स के साथ होता है बिकॉज वो ऑलरेडी दे हैड अ सेट माइंड ऑफ। न्यू कमर्स एक्सपेरिमेंट्स में विश्वास करते हैं, सो वी आर लाइक न्यू कमर्स, जैसे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था ऐसे मेरे एक्टर्स आर रेडी फॉर टू डूइंग दैट्स द पॉइंट। जी काफी सराहा जा रहा है आपकी फिल्म। जी जी सर, काफी सराहा जा रहा है। जी सराहा जा रहा है तो मैं उसके लिए धन्यवाद कर रहा हूँ आप सबका मीडिया के थ्रू एंड जो भी पर्सनली जो लोग आए हैं एंड इट वॉज हाउसफुल सीरियसली, मतलब आई एम वेरी मच थैंक यू सबको कि सबने उस फिल्म को देखा और सराहा। और उस फिल्म के बारे में और ज़्यादा बात करें तो ज़्यादा अच्छा है इंस्टेड ऑफ यहाँ ताली बजा के घर जाने में।
मैं यही कहना चाहूँगा कि नए जो फिल्मकार हैं उनको एक मौका दें, नए कलाकारों को मौका दें, ऐसे मंच को मौका दें जो इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं, उससे हम हैंड इन हैंड साथ चलेंगे, जिससे सबका प्रोग्रेशन होता है, समाज का प्रोग्रेशन होता है, सिनेमा का प्रोग्रेशन होता है। जो हम बात बात पे ये कहते हैं कि अब अच्छी फिल्में नहीं बनती, हमारा कंटेंट नहीं बनता, तो आप देखने के लिए आप राज़ी रहे, ये ऐसे मंच हमें मिले जहाँ पर हमें दिखा सके, तो यही मैं आप लोगों से कहूँगा कि कीप सपोर्टिंग एंड कीप राइजिंग, या आते रहें इस तरह के मंच। जी सर, सिनेमा घरों में देखने को कब मिलेगी? जी 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 थिएटर में जल्द, मतलब देखिए अभी इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें हर जगह से मिल रहा है, तो हम लोग जल्द तैयारी करेंगे कि हम इन्हें थिएटर्स तक लेकर आ पाए, बिकॉज वही होता है कि छोटे बजट में मिनिमलिस्टिक में थिएटर तक पहुंचाना भी एक बहुत महंगी प्रक्रिया है। हमने अगर ये फिल्म बना लिया तब हम सोच रहे हैं अरे इतना खर्च हो गया, अब इसका आगे कैसे करेंगे। सो फॉर दैट हम लोग वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कुछ नए लोग हमसे जुड़े और हम सपोर्ट करें। अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ कि वी आर लुकिंग फॉर प्लेटफॉर्म्स और समथिंग, तो दिस इज द पॉइंट। आप मीडिया में बताइए, बहुत अच्छा है, ताकि वो हमें ढूंढ लें कि यार अच्छा उन लोगों का कुछ हो नहीं रहा था, हम लोग कुछ करें। सो बट वी आर हैप्पी कि पब्लिक को बहुत अच्छा लग रहा है, तो सून किसी ना किसी सपोर्ट से हम कहीं पहुँच जाएंगे सामने। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। निकल रहे थे सब बोल रहे थे कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लगी सबकी, फिल्म बहुत अच्छी लगी। और अभी मुझे रिसेंटली अभी किसी ने मिलके बताया कि कोई निकलते हुए बाहर कह रहा था कि अरे सुपर हिट है, तो मतलब ये सुन के बड़ा अच्छा लगा। इनफैक्ट कई लोगों ने ये भी बोला कि वो इतने टच्ड हो गए थे कि उन्हें समझ नहीं आया किसे रिएक्ट करें, तो एक फिल्म का जो हमारा मोटिव था कि ऑडियंस तक वो मैसेज जा सके वो गया, वो फील कर पाए वो फीलिंग्स, तो बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग है ये। बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है और एक्साइटमेंट के साथ में बहुत खुशी भी हो रही है, हमें नहीं मुझे नहीं पूरी टीम को, कि हमारी फिल्म रिलीज हो गई और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप बोल सकते हैं कि मैं एक नेगेटिव माहौल में एक पॉजिटिव हुए, खैर एक्सपीरियंस तो बहुत ही उम्दा था क्योंकि मैं बॉम्बे से रहने वाला हूँ और हरियाणा में जाना, उनकी भाषा सीखना, 7 दिन पहले जाना और इतनी ब्यूटीफुल और इतनी लवली टीम के साथ में काम करना, 20-25 दिन का शेड्यूल था और हम सारे दोस्त एक ही थाली में खाते थे और एक ही थाली में प्रिपरेशन करते थे और एक ही थाली में पकाते थे सब, और पकाने के बाद यहाँ हमने आपको दर्शाया। सो आई होप आपको पसंद आएगा। यशपाल शर्मा सर तो बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, उनको तो उनकी फिल्म तो बहुत मेरे बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ, गंगा जल हो गई, कशम हो गई, बहुत सारी फिल्में हैं और ऐसे आदमी का हमारे सर पे हाथ होना ही बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट मैं ये बोलना चाहूँगी कि यशपाल शर्मा सर जो हैं वो इतना मोटिवेट करते हैं ना इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को, वो खुद खड़े होकर, उन्होंने कल भी इनफैक्ट हमारी फिल्म कल नहीं दिखाई गई थी बट स्टिल उन्होंने बोला कि फिल्म बहुत अच्छी है, प्रमोट कीजिए सोशल मीडिया पे, क्योंकि हम पेड प्रमोशन नहीं कर सकते हैं, तो वो मतलब जिस भी तरीके से कर सकते हैं हेल्प वो करते हैं। और उन्होंने लिटरली अभी स्टेज पर भी बोला कि लॉन्च में वो हमारे साथ में शामिल थे और के लिए यशपाल सर सर शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमने मतलब उन्हें देखा है काम करते हुए और वो अगर हमारे काम की तारीफ करें या फिल्म की, हाँ हाँ आज उनके साथ खड़े थे और फीडबैक ले रहे थे उनसे। ऑडियंस को मैसेज, ये फिल्म खुद ही एक मैसेज ओरिएंटेड फिल्म है, हम एक ऐसे कस्बे के बारे में, ऐसे शहर के बारे में, ऐसे गाँव के बारे में बात करें जो आज भी ऐसी चीज़ें, ऐसी घिनौनी चीज़ें होती हैं, तो डायरेक्टर साहब का यही मोटिव था कि आप जब इस फिल्म को देखेंगे तो आप कुछ थिएटर से लेकर जाएं, ये इस फिल्म की खासियत है। मैं भी ये बोलना चाहूँगी कि ऑडियंस जब फिल्म देखे तो समझे कि क्या होता है, जो लड़कियाँ इस प्रोफेशन में जाती हैं उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं,
किस मजबूरियों की वजह से जाती है, तो अगर वो उससे निकल के बाहर आएँ तो उनको एक्सेप्ट करें, उनको रिस्पेक्ट दें और समझने की कोशिश करें. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छी लगी. तो मेरी फ्रेंड है रुचिता देओल, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा टॉपिक था जिसके ऊपर उन्होंने बात की है, फिल्म को जिस तरीके से दिखाया है. और सबसे अच्छा ही रहता है कि आप एक प्रोजेक्ट को किस तरीके से दिखाते हैं. डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा लगा मुझे जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को दिखाया है, इस्टेब्लिश किया है, कहीं पर कोई चीज़ को छोड़ा नहीं, अच्छे से क्रिएट किया है. वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं तो खुलकर बात करें और उसे अच्छे से इस्टेब्लिश करें. फुल ऑन 515. मैं पिछले की तितलियाँ देख के आया हूँ, अभी बहुत अच्छी लगी. बेसिकली उसमें कॉन्सेप्ट जो है शुरू से एंड तक क्लियर कि क्या वो कर रहे हैं, फिर कैसे चीज़ें होंगी. कुछ जगहों की चीज़ें थोड़ी मुझे लगी पर्सनली कि नहीं थी. BGM मुझे मिस लग रहा था बचपन में. अगर बैकग्राउंड म्यूजिक होता तो बहुत अच्छी लगती फिल्म. उसमें जो भी कैरेक्टर्स परफॉर्म किए हैं, कास्टिंग बहुत अच्छी की फिल्म में. सभी एक्टर्स ने अपना 100% दिया. अगर एक सीन भी है ना तो पूरा परफॉर्म किया गया. ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने बस ऐसे थ्रो आउट कर दिया या फिर कर देते हैं. ऐसा पूरी फिल्म में आपको किसी सीन में नहीं लगेगा. पूरी फिल्म एक कहानी की तरह चलती है, कैसे कोई लड़की इन्वॉल्व होती है, कैसे उसे टॉर्चर किया जाता है इस चीज़ को करने के लिए कि वो चीज़ों में इन्वॉल्व हो. वो रेड लाइट एरिया में जो चीज़ें होती हैं, कैसे लड़कियाँ इन्वॉल्व हो जाती हैं ना चाह कर भी, उसे बहुत ही प्यारे तरीके से दिखाया गया. फाइव में 4 स्टार, 1 स्टार ओनली फॉर BGM, बैकग्राउंड म्यूजिक मिला. पिंजरे की तितलियाँ वाज एन ऑसम मूवी और कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा इसका मुझे. एंड ओवरऑल जो दिखाना चाह रहे थे, जो उनका दर्द है, वो उन्होंने सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया. बीइंग अ साइलेंट मूवी, जो एक्सप्रेशंस थे वो लाउड थे और उन्होंने अपना काम किया. 5 out of 5. मेरी फ्रेंड रुचिता है, 5 out of 5. एंड मूवी भी ऑसम है. थैंक यू सो मच. 100% आया है. सब लोग ने देखा, अच्छा एप्रिसिएट किया, सब ने अच्छा तारीफ किया. पिजड़े की तितलियाँ. तो बॉलीवुड इंटरनेशनल ने आपको प्लेटफॉर्म दिया, क्या कहना चाहेंगे? यशपाल सर ने हमें अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया. यशपाल सर की वजह से हमने अपनी मूवी दिखाई, अपनी मूवी प्रमोट करी. अच्छा उन्होंने सहयोग किया है हमें. हमारे ट्विटर लॉन्च पार्टी में भी सर आए थे, उनका हमेशा सहयोग रहा है हमारे साथ. कहाँ से ये थॉट आया पिक्चर के, जो आपने प्रोड्यूस किया, ये इतनी मूवी की स्टोरी है, क्यों आपने मतलब स्टोरी किया? काफ़ी इसमें कुछ है नहीं जिसे बोला यशपाल जी ने. देखिए क्या है, बॉलीवुड में आप देख रहे होंगे कुछ स्टोरियाँ नहीं हैं. साउथ वाले स्टोरी लेके आते हैं, बॉलीवुड में कोई भी स्टोरी लेके नहीं आता है. तो हम बेसिकली स्टोरी पे काम करते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट उठाते हैं, अच्छी स्टोरी जो सोशल अवेयरनेस वाली होती है, सोशल की चीज़ें होती है, सोशल प्रॉब्लम होती है, उसके ऊपर हम स्टोरी लेते हैं और अच्छी राइटिंग करते हैं और अच्छा बनाते हैं. हमारा प्रयास ये रहता है कि हम अच्छा से अच्छा बना सकें. काफ़ी लोगों का सपोर्ट भी मिला यहाँ पे. हाँ जी, भी मिला. हाँ जी. और कभी तक थिएटर में रिलीज करने का प्लान है? हम जैन में प्लान कर रहे हैं, न्यू ईयर में हम लोग प्लान कर रहे हैं. अभी हमारा प्रीव्यू है 5 सिटीज़ में, और भी प्रीव्यू है, फिर उसके बाद हम प्लान कर रहे हैं. काफ़ी सारे फिल्म फेस्टिवल में जा रहे हैं. हाँ, भी मिला हमारी फिल्म को अयोध्या में भी अवार्ड मिला, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस. फिर बहुत सारे जगह पे, चंडीगढ़ में भी, नागालैंड में भी, मुंबई में भी है, चल रहा है. अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. अभी नेक्स्ट प्लान क्या है? अभी हमारे जयपुर में है स्क्रीनिंग 7 तारीख को, फिर लखनऊ में है, फिर दिल्ली में है, ऐसे करके हमारा प्लान है. फिर उसके बाद हम लोग रिलीज करेंगे. थैंक यू. इसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया. इतनी ब्यूटीफुली मेड फिल्म एंड ह्यूमन इमोशंस को इतनी अच्छी तरह से दिखाया है. Well done, and Ashish, you have done really well. And where is the producer? मैं आपको तहे दिल से दाद देती हूँ, क्योंकि अच्छी फिल्में बनाने वाले बड़े कम लोग हैं और उस तरह की रिस्क लेने वाले. सो वेल डन. एंड इस फिल्म को जितना भी आप लोग अपने अपनी तरफ से जितना प्रमोशन कर सकते हैं उतना प्रमोशन करिए, क्योंकि अच्छी फिल्मों का लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है. छोटी फिल्म है, इसके लिए हम सब प्रयास करेंगे तो ज़रूर लोगों तक पहुंचेगी. और जिस तरह मेरे को हिला डाला उसी तरह लोगों को भी हिलाएगी. समाज की तरफ हमारा ये कर्तव्य है कि हम इतना तो कम से कम करें. थैंक यू सो मच. अगर बात की जाए तो 5 स्टार में से कितना स्टार आप देना चाहेंगे? 5 out of 5.
क्योंकि जो जो फिल्म आपको अंदर हिला दे, आप इमोशंस में उसके बिल्कुल साथ हैं, तो फिर उससे बड़ी तो कोई रचना होती ही नहीं ना। एक रस हो जाते हैं ऑडियंस और जब फिल्म एक रस हो जाए तो फिर वो रस अद्भुत होता है। ऐड करना चाहिए, बहुत खुशी है कि सुमित्रा मैम हमारे साथ यहाँ पर आई और उन्होंने फिल्म देखी, और अगर सीनियर एक फिल्म फैटर्निटी बोल रही है बात, तो आप समझ सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ तक इसको लेके जाने की क्षमता रखते हैं। तो उसमें सिर्फ आप लोगों का एक दर्शक का हमें ज़रूरत है जो आए और हमारी फिल्म को देखें और उसे अप्रिशिएट करें। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आशीष जी, जब इस तरह से प्यार मिलता है लोगों का, दर्शकों का, या क्या 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 फील करते हैं आप बताइए, ये कैसा सा सवाल है, मैं इसका क्या जवाब देना चाहिए, कैसा सा बताऊं मैं? Blessed. खुशी, वी आर वेरी मच ब्लेस्ड, वी आर वेरी मच थैंकफुल कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उस दिशा में लोग उस चीज़ से जुड़ पा रहे हैं। तो आपकी जब आप लोगों से खुशी साझा करते हैं तो वो दुगनी हो जाती है, हमारी दुगनी चौगनी, और मैम कह रही हैं तो फिर तो 8 गुनी 10 गुनी हो गई। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। साइड करना चाहेंगे आप पूरी पिक्चर के, काफ़ी प्यार मिला आज, इतना अप्रिसिएशन मिला, हमें बहुत अच्छा लगा। मैडम ने अच्छा तारीफ किया, अच्छा चीज़ें बोली हमारी मूवी के बारे में, और हमारा प्राउड सॉरी हमें और भी वर्क करने पर इंकरेज किया। थैंक यू। यशपाल जी द्वारा आयोजित थी जो फिल्म फेस्टिवल है, कितना जरूरी है इस तरह के फिल्म फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करना ताकि मौका मिले लोगों को अपना टैलेंट शोकेस करने का? ये बहुत ज़रूरी है, अच्छी फिल्मों का आना बहुत ज़रूरी है, और अच्छी फिल्मों का मेरा मतलब ये है कि जिसमें स्टोरी हो, जिसमें डायरेक्शन हो, जिसमें एक्टिंग हो, म्यूजिक हो, जैसे दादा लक्ष्मी, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी है। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट प्रभा यशपाल जी की मिसेज जो हैं कि भगवान करे ये बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है लंबा चल। कलाकार के तौर पर क्या करते हैं, कलाकार ने कभी काफ़ी फिल्म काम किया, उन्होंने अभिनय किया, क्या कहें उनके बारे में, आपने उनकी कोई फिल्म देखी है या? मैंने जी फेस्टिवल की कोई फिल्म नहीं देखी, मेरा टाइम नहीं था, बट ये फिल्म जो मैंने अभी देखी है सर दादा लक्ष्मी में आपने म्यूजिक भी डायरेक्ट किया, कैसा रहा एक्सपीरियंस और कितना बुरा रहा? बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। एक तो यशपाल जी को बहुत समझ है कि मुझे क्या चाहिए, तो आपने म्यूजिक देखा ही होगा, फिल्म देखी होगी आपने, तो बहुत मेहनत की हम लोगों ने इस फिल्म पर, और इसकी जो मुझे लगता है जो मिक्सिंग है, खाली फिल्म गानों की मिक्सिंग जो है उसको 2-2.5 महीने लग गए थे, तो वी रियली इंजॉयड मेकिंग दादा लक्ष्मी। आप कमिंग जो यूथ है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि अभी कोई कोई यूथ्स को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, जो अपकमिंग प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, जो मूवी करना चाहते हैं उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, यशपाल सर ने उनको प्लेटफॉर्म दिया है, प्रतिभा मैम ने प्लेटफॉर्म दिया है बॉलीवुड इंटरनेशनल फेस्टिवल के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर हैं सब चांस दें, क्योंकि यूथ में बहुत टैलेंट है, हमारे यूथ में बहुत टैलेंट है, हर चीज़ का टैलेंट है, एक्टिंग, डायरेक्टिंग, प्रोड्यूसरिंग एंड म्यूजिक, सब में उनके पास बहुत टैलेंट है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है। सर आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, बॉलीवुड और साउथ पे, साउथ की जो रीमेक कर रही है बॉलीवुड, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा दुर्भाग्य है, हिंदुस्तान में पहली फिल्म इंडस्ट्री थी हमारी, तो 1960 में मैं आया, 1962 में मैंने शुरू किया, तो हमारे यहाँ से दुनिया में कॉपी हुआ करता था, हमारी फिल्में कॉपी हुआ करती थी बाहर, हमारा म्यूजिक बाहर कॉपी हुआ करता था, हमारी स्टोरी कॉपी हुआ करती थी, आज हम बिल्कुल उल्टा हो गए, आज हम साउथ को कॉपी कर रहे हैं, बाहर को कॉपी कर रहे हैं, कोई नया म्यूजिक आता है वो कॉपी लगता है, फिल्म कॉपी लगती है, हर चीज़ जो है वो कॉपी 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 कॉपी, तो इसलिए हम नीचे जा रहे हैं। सर आप पठान के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, पठान का एक नया सॉन्ग रिलीज? मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा बहुत ज़्यादा नंगापन है, इतने नंगेपन की हिंदुस्तान के पब्लिक को ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा नंगापन है, इतना नंगापन बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेट्स हैव ब्यूटीफुल ब्यूटी ऑफ इंडिया।
सर आप अपनी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहूँगा जी, अच्छी अच्छी फिल्में देखिए, अगर ख़राब फिल्म हो तो उसको बंद कर दीजिए, मत देखिए। और हम क्या बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। थैंक यू सर।